हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए सैक्रिफिशियल मेट के फाइनल पार्ट को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था शेयुन को एक छोटा सा चिकन मिला था एज अ स्पिरिट बेस्ट। वो चिकन शेयुन के आकार के जितना ही था, इसलिए वो डेमोन वर्ल्ड में छोटा होने के बावजूद भी शेयुन जितना ही बड़ा था और शेयुन उसकी पेट मामा बनकर उसको बहुत कुछ सिखा रहा था। अभी उसने चिकन को उड़ना सिखाने के लिए एक बार कूदकर खुद की जान जोखिम में डाली थी, दूसरी बार उसे चेंगचंग ने पीछे खींच लिया, लेकिन चिकन समझ गया कि उसे अब यहाँ से नीचे कूदना है, फिर अंजाम चाहे जो हो। तो वो आगे बढ़ा। शेयुन चेंग को डांट कर चिकन की तरफ देखे, इससे पहले ही चिकन नीचे कूद चुका था। शेयुन ने यह देखा और पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बस अपने हाथ हिलाओ। शेयुन जोर जोर से अपने हाथ हिलाने लगा। चिकन ने पीछे मुड़कर शेयुन की तरफ देखा तो वो भी वैसे ही हाथ हिलाने लगा और जिस तरह से शेयुन उस पर भरोसा कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, उसे इनकरेज कर रहा था, उसके अंदर कोई स्पार्क सा छिड़ गया। वैसे वो जहाँ से आया था वहाँ पर उसे यूज़लेस कहा करते थे, इसलिए वो कभी इवॉल्व ही नहीं हुआ और वो अपनी प्रजाति का इकलौता था, इसलिए उसे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। और अब शेयुन को देखकर उसके अंदर जो स्पार्क निकला, उसने इतनी ज़ोर से पंख फड़फड़ाए कि उस महल में आंधी आ गई। ऊपर से चिकन भी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगा। अब तो उसका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया और जल्द ही वो पूरी तरह से कन्वर्ट होकर एक गोल्डन फिनिक्स में बदल गया। उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर शेयुन चेंग इतने ज़्यादा खुश हुए थे। ऊपर से महल में अचानक से उठ रही आंधी को देखकर किंग और चांसलर भी दौड़े दौड़े बाहर चले आए ये देखने के लिए कि इस आंधी की वजह क्या है। पर जब उन्होंने आसमान में फिनिक्स उड़ता हुआ देखा तो वो बहुत ज़्यादा चौंक गए। पर तभी किसी के दो बाण फिनिक्स की तरफ चल दिए, जिसे देखकर किंग, चांसलर, शेयुन और चेंग एक साथ चिल्लाए। पर यह ड्रामा यही ख़त्म नहीं हुआ। उन दो बाणों को काटने वाला एक तीसरा बाण चल दिया। अब चारों ने भी उस तरफ देखा जहाँ से वो तीसरा बाण निकला था, तो वहाँ एक पेड़ पर एक इंसान खड़ा था, जिसे देखकर चांसलर की भौहें सिकुड़ी, किंग की भी, और चेंग और शेयुन कहीं ना कहीं उस बंदे को शुक्रिया अदा करने लगे। फिनिक्स उस बंदे को अपनी चोंच में उठाकर सीधा ग्राउंड पर लेकर आया, जहां पर ये चारों भी पहुंच गए। इधर चांसलर ने उस बंदे के पास झुककर उसे ठीक से देखते हुए कहा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? किंग ने कहा, जिसने किंग पर एक मेहरबानी कर दी वो किंग का गेस्ट हुआ। ऐसा कहकर उसने उस बंदे को अच्छे से खातिरदारी करने के लिए कहा। शाम को जब सब लोग डिनर कर रहे थे, तब उस बंदे ने अपना इंट्रोडक्शन किंग को दिया। उसने कहा वो यहीं के लान कबीले से बिलोंग करता है, वो कबीला जहाँ शेयुन का इलाज हुआ था। अब उस परिवार ने शेयुन को अपना बच्चा मान लिया है और शेयुन जो कि किंग के पास है, इसलिए अब सब लोग चाहते हैं कि वो शेयुन को किंग के पास से ले जाए। वह आदमी बड़ी चिकनी चुपड़े बातें कर रहा था। ये देखकर किंग को तो ज़्यादा शक नहीं हुआ। शेयुन अच्छा तो महसूस कर रहा था कि चलो उसका भी एक परिवार है, पर उसे अजीब भी लग रहा था। उसके लिए तो किंग ही उससे सबसे ज़्यादा करीबी थे। चांसलर को उस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन चेंग ने सारा बेड़ा गर्क कर देना था। वो बहुत खुश हुआ और तारीफ करने लगा कि अब शेयुन का भी एक परिवार है, इसलिए उसकी रानी बनने की दूसरी दिक्कत भी दूर हो गई। किंग ने उस मेहमान की अच्छे से खातिरदारी करके शेयुन को उसके साथ भेज दिया, क्योंकि शेयुन अच्छे से तैयार होकर किंग के साथ शादी करे। लेकिन जब शेयुन उस कबीले में पहुंचा, वहां का नज़ारा तो कुछ अलग ही था। शेयुन की बहन उसकी शादी किसी और के साथ करवाना चाहती थी ज़बरदस्ती, ताकि वो उस कबीले में ही रहे हमेशा हमेशा के लिए। शेयुन
उनकी बात मानने से मना करने लगा तो उन सब लोगों को लगा कि शयुन पर किसी का तो असर हुआ है, वो अभी अपने होश में नहीं है, इसलिए उसे बेहोश कर दिया गया। अब जो उसका स्पिरिट बीस था वो शयुन को ट्रेस नहीं कर पा रहा था। ऊपर से किंग का ड्रैगन उसके पीछे पड़ा हुआ था, वो तो उस फिनिक्स को देखकर अपने होश ही खो दिया। बेचारा फिनिक्स अपने डिवाइन ह्यूमन को बचाए या इस खाली खोपड़ी ड्रैगन को समझाए, पर करे क्या, वो चाहे खाली खोपड़ी ही सही, पर पता नहीं क्यों उसे देखकर फिनिक्स के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। पर अभी तो उसे अपने मालिक को ढूंढना था। उसने अब ये सारी बात टिंकरबेल से कही और टिंकरबेल ने सीधा राजा से। जैसे ही जीचों को पता चला कि शयुन शायद से खतरे में है, वो तुरंत उस कबीले की तरफ निकला अपना रूप बदल कर, मतलब इंसानी अवतार में। अब किंग ने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ की सारी परिस्थिति जान ली, फिर उस दूल्हे का रूप ले लिया जिससे शयुन की शादी होने वाली थी। किसी को कोई शक नहीं हुआ और इंसानी रीति रिवाज के हिसाब से शयुन और जीजोंग शादी करके वापस इंसानी दुनिया में आ गए। जीजोंग घोड़े पर शयुन को अपने आगे बिठाए चलता जा रहा था और शयुन बिना किसी परवाह के आराम से अपनी जर्नी एंजॉय कर रहा था। अचानक से जीजोंग उसके साथ थोड़ी सी नौटी हरकतें करने लगा। जीजोंग ने अभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। उसने शयुन के कमर पर हाथ रखा तो शयुन ने भी अपनी कोहनी पीछे मारी। जीजोंग कुछ देर के लिए तो चुप रहा, लेकिन उसने फिर से ऐसे हरकत की। तब शयुन अचानक से पीछे मुड़ा और सीधा जीजोंग के होठों को अपने होठों से लॉक कर दिया। जीजोंग चौंक कर अपने रूप में वापस आ गया और शयुन से कहने लगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किसी और से शादी करके सीधा उसे किस कर रहे हो। शयुन ने कहा, किससे शादी, मेरी शादी तो आपसे हुई है, फिर मुझे किस बात का डर। जीजोंग पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता कि हमारी ही शादी हो रही थी, मतलब मैंने इतने अच्छे से रूप बदला था। अब शयुंग ने मुंह फुलाया और जीजोंग की तरफ देखा, फिर उसने अचानक से उसके पीछे हाथ डालकर उसकी पूंछ पकड़ ली। जीजोंग बहुत ज़ोर से चिल्लाया, सीधा घोड़े से नीचे आ गया। शयुंग ने कहा, अपनी पूंछ छुपानी भी आनी चाहिए, आप सबकी आंखों में धूल झोंक सकते हो लेकिन मेरी नहीं, क्योंकि मैं आपकी वाइफ ही हूँ। शयुन बहुत प्राउड होकर बात कर रहा था। इधर जीजोंग ने भी अपनी हार मान ली, मतलब इस पूरे वक्त शयुन जानता था कि उसकी शादी जीजोंग से ही हो रही है, तो फिर उसके साथ नाटक करने का क्या फ़ायदा। जीजोंग अब शयुन को लेकर सीधा आसमान में उड़ गया और उसे अपने महल में वापस लेकर आया। आते ही उसने चांसलर से ये कह दिया कि वो शयुन से जल्द शादी करना चाहता है, क्योंकि उसके परिवार ने शयुन की और जीजोंग की शादी करवा दी है, उनके ब्लेसिंग्स है, तो अब जीजोंग की तरफ से भी देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उसने बेचारे सिंगल चांसलर के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा, वो आज के रात ही अपनी लीगल वेडिंग नाइट मनाना चाहता है, तो चांसलर जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसे अभी के अभी शयुन के साथ शादी करनी है। फिर क्या था, चांसलर को तो मानना ही था। अब डेमोन रीति रिवाजों के हिसाब से भी शयुन और जीजोंग की शादी हो गई, पर असली मज़ा तो बस शुरू हो रहा था। चांसलर को इस बात की फिक्र नहीं थी कि जीजोंग क्या चाहता है क्या नहीं, उसे परवाह इस बात की थी कि जीजोंग की क्वीन इतनी कैपेबल हो कि वो आने वाले खतरों का सामना कर सके। वैसे ये खतरे नहीं थे, बस शुभकामनाएं देने के लिए दूसरी दुनियाओं के लोग आ रहे थे, पर शयुन के लिए ये खतरा ही था, क्योंकि जीजोंग को बधाई देने के लिए सी वर्ल्ड का एम्परर आ रहा था। जैसे जीजोंग डेमोन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वैसे ही सी वर्ल्ड में ये सी एम्परर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर उसके साथ जीजोंग की थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, डेमोन वर्ल्ड की ताकत सी एम्परर के सामने कम पड़ जाएगी। माना कि ये सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने अपने टेरिटरी में खुश रहते हैं, पर सभी लोग किसी मौके की तलाश में रहते हैं। उन्हें अपना अपोनेंट जैसे ही कमज़ोर दिखाई दिया, वो तुरंत उसे हमला करके मार डालते हैं और उसके किंगडम को कॉन्कर कर लेते हैं। इसलिए तो चांसलर समय ले रहा था। जिस तरह से शयुन से मिलने आया था,
तभी से उसका दिल शयुन के प्रति सॉफ्ट हो गया था। वो तो बस समय ले रहा था कि शयुन इस दुनिया के तौर तरीके सीख जाए, ये सीख जाए कि उसे पावरफुल होना है। जैसे ही उसने अपने स्पिरिट बीस्ट को समन कर लिया, चांसलर समझ गया कि शयुन भी कहीं ना कहीं डिमोन वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता है। पर अब जब सी एम्परर सामने आ रहा है, शयुन इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चांसलर के लाख मना करने के बावजूद भी जिचोंग ने अपनी मनमानी कर ली है और अब सिंहासन पर बैठा इस बात का फैसला कर रहा है कि शयुन के फिनिक्स को मारने वाला कौन था। ये मुद्दा इतना ज़रूरी भी है क्या? चांसलर अपना सर पटकना चाहता था, पर जिचोंग को तो अपना सारा कार्यक्रम आज ही करना था। उसने बॉलरूम की तैयारी भी करवा दी, साथ में डिनर प्रिपरेशन भी करवा दिया, इधर टिंकर बेल से कटकर अपना वेडिंग चैम्बर भी तैयार करवा दिया। माना कि ये सब डेमॉन्स है, चुटकी बजाते ही सारा काम कर देते हैं, पर सारा का सारा काम आज ही करना ज़रूरी है क्या? ऐसे चांसलर कुछ कर भी नहीं सकता था। वह बस चुपचाप सभा में बैठे ओवर एक्साइटेड लायन किंग को देख रहा था और उनके थके हारे सर्वेंट्स को। तभी उसे लगा उसे कोई पुकार रहा है, तो उसने मुड़कर किंग की तरफ देखा। किंग सच में उसे ही पुकार रहे थे। किंग ने पूछा, क्या तुम्हें पता चला कि फिनिक्स को मारने की कोशिश किसने की थी? चांसलर ने कहा, मैंने जस्टिस मिनिस्टर को बुलाया है। जस्टिस मिनिस्टर सामने आए, उन्होंने कहा, कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है महाराज, बस कुछ लोग शयुन से खफा थे, वो उसे अपनी रानी नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शयुन पर हमला करने की कोशिश की, पर वो गलती से फिनिक्स की तरफ चला गया। जस्टिस मिनिस्टर तो पसीने पसीने हो रहा था। अगर किंग का दिमाग सटक गया तो फिर तो उसकी लंका ही लग गई। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज किंग अच्छे मूड में थे, तो उन्होंने सब कुछ जाने देने के लिए कहा, फिर कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व किए और सभा रद्द कर दी। इधर टिंकल बेल शयुन को पूरी तरह से तैयार करने में लग गई। आज उसकी डिमॉन वर्ल्ड वाली सुहागरात जो थी, शयुन ने जब पूरी तरह से तैयार होने के बाद खुद को आईने में देखा तो वो जोर से चीख दिया, क्योंकि वो पूरा भूतनी लग रहा था। टिंकर बेल ने कहा, हमारे डिमॉन वर्ल्ड में ऐसा ही तैयार होते हैं। शयुन ने कहा, मुझे ऐसे वैसे तैयार नहीं होना, मुझे पहले वाला रूप दे दो। तुम चाहे तो मुझे लेस रूप्स पहना सकती हो, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, कुछ मेकअप नहीं, कुछ बाल नहीं संवारने, कुछ नहीं करना, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। अब टिंकर बेल को ना चाहते हुए भी सारे रूल्स तोड़कर शयुन की बात माननी पड़ी। और वैसे भी अभी रात के सेलिब्रेशन के लिए बहुत थोड़ा टाइम बचा था, तो टिंकर बेल ने फटाफट से शयुन को तैयार कर दिया। अब शयुन और जिचोंग सी एम्परर का स्वागत करने के लिए आए। इधर सी एम्परर अपनी ही मस्ती में चल रहा था, जैसे उसने तो पूरी दुनिया एक्वायर करके रखी है, पर जिचोंग ने उसे ज़्यादा भाव नहीं दिया। जैसे कोई गेस्ट घर पर आता है, कुछ देर रुकता है और चला जाता है, उससे ज़्यादा बॉदर नहीं होते, उसी तरह से जिचोंग ने भी उसका स्वागत किया। सी एम्परर खाना खाने के लिए बैठा, उसने शयुन को भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। शयुन उस टेबल पर बहुत छोटा लग रहा था और सी एम्परर लगातार उसका अपमान किया जा रहा था। उसने शयुन को शराब पीने के लिए कहा। शयुन ने कहा कि वो शराब नहीं पीता, तो सी एम्परर ने कहा, मैं ऐसे पर्सन को क्वीन मान ही नहीं सकता जो मेरे साथ शराब नहीं पी सकती। इस बात पर जिचोंग को बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर चांसलर ने किसी तरह से जिचोंग को शांत रहने के लिए कहा। पर सी एम्परर इतने में से कहाँ रुकने वाला था, वह अब भी लगातार शयुन को टॉन्ट करते ही जा रहा था। पर अब जब उसने जिचोंग को टॉन्ट करने की कोशिश की तो शयुन तुरंत खड़ा हुआ। उसने कहा, आप मुझे जो चाहे बोल सकते हो, पर मैं अपने किंग का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। यह सुनकर सी एम्परर को बड़ा गुस्सा आया और उसने उबलता हुआ पानी अपने सर्वेंट के ऊपर डाल दिया। ये देखकर वो सर्वेंट जोर से चिल्लाने लगा। शयुन तो इस बात के भी खिलाफ खड़ा हुआ, उसने सीधा सी एम्परर से कह दिया, कमज़ोरों पर हुक्म चलाने वाले पर्सन को मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। जिचोंग भी तुरंत खड़ा हुआ, उसने शयुन को लिया और वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ सी एम्परर के रिस्पेक्ट में वहाँ पर अच्छी खासी पार्टी रखी गई थी, डांस होने वाला था। चांसलर किसी तरह से जिचोंग को समझा बुझा कर वहाँ पर लेकर आया। अगर देखा जाए तो डिमांड वर्ल्ड के हिसाब से होने वाली क्वीन को
सी एम्परर को रिस्पेक्ट देने के लिए उसके साथ डांस करना था, लेकिन सी एम्परर शेयुन की साइज़ देखकर ही उस पर हंस रहा था, तो उसके साथ डांस क्या करेगा। उसने अपने सर्वेंट को एक चूहे का आकार दे दिया और उसे शेयुन के साथ डांस करने के लिए कहा। वैसे तो शेयुन के लिए ये एक अपमानजनक बात थी। जीशुंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अगर अभी शेयुन ने कुछ कहा तो जीशुंग तो अपना आपा ही खो देगा। ये देखकर शेयुन ने थोड़ी देर के लिए चुप रहने का सोचा और वो डांस करने के लिए मान गया। अब वो सर्वेंट और शेयुन डांस करने लगे। डांस करते करते शेयुन ने देखा उस सर्वेंट की स्किन काफ़ी ज़्यादा जली हुई है, क्योंकि अभी सेम्परर ने उस पर पानी डाला था। वो श्रेड भी हो रही थी। ये देखकर शेयुन को बड़ा बुरा लगा। उस पर्सन का कोई इलाज नहीं हो रहा था और सी एम्परर की तरफ देखकर लग भी नहीं रहा था कि वो अभी तो कोई उसे इलाज देंगे। शेयुन को बड़ा बुरा लगा। उसे जितने भी स्किल्स आते थे उसके ज़रिए ही सही, पर उसने किसी तरह से डांस करते हुए ही उस पर्सन का इलाज किया। डांस करते करते उसने एक आइस क्यूब लेकर उस पर्सन के जख्मों पर मल दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसे कपड़े से अच्छी तरह से ढक दिया। उस पर्सन को खुद भी इसका अंदाज़ा नहीं था, पर जब उसने अपने हाथों पर पट्टियाँ देखी तब वो सब कुछ समझ गया और अचानक से डांस करते करते रुक गया। शेयुन चौंक गया, साथ में जीचोंग भी। वो चूहे के आकार वाला आदमी पीछे हटा और सीधा ट्रांसफॉर्म हो गया असली सी एम्परर में। मतलब अब तक जो भी हुआ था वो सब एक नाटक था। ये सब देखकर शेयुन और जीचोंग दोनों ही चौंक गए। अब सी एम्परर जीचोंग को बधाई देते हुए बोला, तुमने सच में अपने लिए हीरा चुना है। फिर उसने शेयुन की तरफ देखा और मुंह बनाया, बस ये बहुत छोटा है। ऐसा करके उसने कुछ मैजिक किया और शेयुन भी अचानक से शेप शिफ्ट कर गया। वो भी उन सब के जितना ही बड़ा हो गया। जीजोंग तो हैरान होकर कभी शेयुन को देख रहा था तो कभी सेम्परर को। सेम्परर ने कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट है। जीजोंग और शेयुन ने एक साथ मिलकर सेम्परर का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद सेम्परर वहाँ से गायब हो गए। सेम्परर के जाने के बाद अब बारी थी जीजोंग और शेयुन के वेडिंग चैम्बर में जाने की। वैसे तो शेयुन को अपने इतने भारी भरकम शरीर की आदत नहीं थी। उसने जैसे ही पहला कदम उठाया वो लड़खड़ाया। जीजोंग ने उसे तुरंत सहारा दिया, पर शेयुन अपना भार संभाल नहीं पाया। वो नीचे गिर गया। अचानक से उसका पूरा शरीर ग्लो करने लगा। ये देखकर टिंकर बेल तुरंत सामने आई और जीजोंग को बधाई देते हुए बोली, बहुत बहुत बधाई हो महाराज, हमारे प्रिंस आ रहे हैं। साथ ही उसने बड़े से पर्दे पर शेयुन के पेट में पल रहे बच्चे की सभी को झलक दिखाई। अब तो जश्न के माहौल में चार चांद लग गए। बाकी के जश्न की सारी जिम्मेदारी चांसलर को सौंप कर जीजोंग शेयुन को उठाकर वेडिंग चैम्बर की तरफ चल दिया। इसके बाद जो वेडिंग चैम्बर बंद हुआ वो वापस से खुलने के लिए बहुत समय लगा। बेचारा चांसलर और टिंकर बेल किंग के चैम्बर के बाहर बार बार चक्कर लगाते रहते। ऐसे ही एक शाम तक कर टिंकर बेल वहीं पर बैठी हुई थी, तभी चांसलर भी आकर उसके पास बैठ गए। टिंकर बेल ने कहा, लगता है किंग अब प्रिंस को लेकर ही बाहर आएंगे। कोई इतना पागल भी कैसे हो सकता है। इंसान को प्यार पर भरोसा होना चाहिए, ना कि शरीर की खूबसूरती पर। अचानक से दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चांसलर तो वहाँ से भाग गए। इधर टिंकर बेल के भी कान लाल हो गए थे, पर उसने चांसलर को नहीं छोड़ा। उसने उड़ते हुए पीछे से जाकर चांसलर का हाथ पकड़ा, पर उसके छोटे से शरीर की वजह से वो चांसलर को ठीक से रोक नहीं पाई, तो उसने तुरंत अपना रूप बदल लिया। और जैसे ही चांसलर ने अपने पीछे मुड़कर देखा उस लड़की को, देखकर उसके तो पैर ही जवाब दे गए। पर उसे संभालने के लिए हमारी टिंकर बेल थी ना। अब चांसलर और टिंकर बेल दोनों भी अपना प्राइम टाइम एंजॉय करने के लिए चले गए और किंग के दरवाजे के बाहर पहरा देने की बारी आई सेनापति हुआन और चेंग की। और यहीं पर होती है हमारी ये शॉर्ट बट स्वीट स्टोरी ख़त्म। मैं इसे बहुत लंबा नहीं खींचना चाहती थी,
इस एनिमे में बहुत कुछ है आगे, लेकिन मुझे वो सब इतना भी अच्छा नहीं लगा। तो इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं और किसी नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।